प्रिय विद्यार्थियों, समय समय पर अनेक समाजशास्त्रियों ने और मानवशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की और मानवशास्त्र की जो विषय वस्तु को विकसित किया उसमें अनेक उपागमों का सहारा लिया, जिनमें संरचनात्मक उपागम, प्रकार्यात्मक उपागम, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम और इसी कड़ी में एक और उपागम है जिसको हम संघर्षवादी उपागम कहते हैं। और उसी संघर्ष को लेकर जिन विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं उसी की चर्चा आज हम करेंगे सामाजिक संघर्ष विषय के अंतर्गत। इसमें हम संघर्षवादी दृष्टिकोण क्या है और संघर्षवादी सिद्धांत के जो विचारक हैं, जिनमें सबसे अग्रणी पंक्ति के विचारक हैं वो है कार्ल मार्क्स, उसके पश्चात रॉल्फ डेरेंडॉर्फ और फिर सी राइट्स मिल के क्या विचार हैं, इस संघर्ष को लेकर उसकी चर्चा करेंगे और फिर अंत में इन तीनों के विचारों को हम सारांश के रूप में भी लेंगे। तो प्रारंभ करते हैं कि संघर्ष क्या है। लेकिन मैं पहले ये आपको बता दूं कि समाज में कुछ प्रक्रियाएं हैं जो निरंतर चलती रहती हैं, उनमें एक प्रक्रिया को हम संगठनात्मक या सहयोगात्मक प्रक्रिया कहते हैं और जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है सहयोग, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में जो योगदान देता है या जो मदद करता है वह सहयोग कहलाता है, जिसे हम कोऑपरेशन कहते हैं। लेकिन एक ऐसी भी प्रक्रिया जिसको हम विघटनात्मक अंतरक्रिया या विघटनात्मक प्रक्रिया कहते हैं और उसमें प्रतिस्पर्धा और संघर्ष प्रमुख हैं। प्रतिस्पर्धा कब होती है? जब लक्ष्य सीमित होते हैं और प्राप्त करने वाले असीमित होते हैं और कोई भी दूसरे के साथ न तो सहभागी होना चाहता है और न ही त्याग करना चाहता है, या न तो वह सेक्रीफाइस करेगा और न उसके साथ वो एडजस्ट करेगा, वो अपने अपने तरीके से उस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है, तब उनके बीच प्रतिस्पर्धा प्राप्त होती है प्रारंभ होती है। लेकिन जब संघर्ष की बात करते हैं तो लक्ष्य सीमित हैं, प्राप्त करने वाले असीमित हैं और उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ये लगता है कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा तो मैं दूसरे को भी नहीं करने दूं और इसके लिए उसके मार्ग में हिंसा या हिंसा की धमकी का सहारा लेता है, तो वहीं पर संघर्ष प्रारंभ होता है। इसी संघर्ष को लेकर अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं जिसे हम सामाजिक संघर्षवादी दृष्टिकोण कहते हैं। समाजशास्त्र में दो प्रकार की विचारधाराएँ विकसित हुई हैं, उनमें एक संतुलनवादी विचारधारा है तो दूसरी संघर्षवादी विचारधारा। संतुलनवादी विचारधारा में प्लेटो, रूसो, कोजर, दुर्खिम इत्यादि प्रमुख हैं। ये संघर्ष को एक नकारात्मक शक्ति मानते हैं। इनका यह कहना है कि संघर्ष समाज व्यवस्था के लिए बाधक है जिससे समाज का विकास रुकता है। ये उनका नकारात्मक सोच है कि संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के विकास को रोकती है, समाज में बाधाएं उत्पन्न करती हैं और व्यक्तियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावटें पैदा करती है। इसलिए ऐसे विचारधारा से संबंधित जो दृष्टिकोण विकसित हुआ उसको हम संतुलनवादी दृष्टिकोण और इस विचारधारा को संतुलनवादी विचारधारा कहते हैं। वहीं दूसरी ओर आधुनिक समाजशास्त्रियों का एक ऐसा वर्ग भी है जो संघर्ष को महत्वपूर्ण मानता है। उसमें सिमेल, कोजर, मार्क्स, डेरेंडॉर्फ, सी राइट मिल्स, हॉरोविट्स, कॉलिंस इत्यादि प्रमुख हैं। इन्होंने इस उपागम में पाए जाने वाले संघर्ष के सिद्धांत को अपने विश्लेषण का आधार बनाया है। यानी इन विचारकों का यह विचार है कि संघर्ष समाज के लिए आवश्यक है, संघर्ष व्यक्ति को चेतन रखता है, संघर्ष व्यक्ति को प्रयत्नशील बनाता है और संघर्ष नहीं होगा तो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएंगे और समाज का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए इन विचारकों का ये सोच है कि समाज के लिए संघर्ष आवश्यक है ताकि समाज का विकास हो सके और प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील होकर वह चिंतनशील रहे और साथ में चेतन भी रहे, इसलिए संघर्ष समाज के लिए आवश्यक है। इसी संघर्षवादी विचार को लेकर जो दृष्टिकोण विकसित हुआ है उसमें संघर्षवादी दृष्टिकोण क्या है कि समाज में समानता व भिन्नता दोनों ही विद्यमान हैं। जब समाज में समानता होती है तो सामाजिक जीवन व्यवस्थित बनता है, साथ ही एकता व संगठन अपेक्षाकृत स्थायी व्यवस्था के रूप में सहायक होता है। परंतु भिन्नताओं के कारण समाज में विरोध, तनाव, विघटन, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष उत्पन्न करता है।
पहला दृष्टिकोण एकीकरणवादी और दूसरा संघर्षवादी दृष्टिकोण। यानी जब हम समाज में बात करते हैं तो समानता भी पाई जाती है और भिन्नता भी पाई जाती है। जहाँ पर समानता हो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होगा, कहीं पर किसी प्रकार के संघर्ष की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि सब मिलजुल कर अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे। ऐसे सोच से एकीकरण पैदा होता है, इंटीग्रेशन पैदा होता है और एक व्यक्ति दूसरे को मदद करता है। लेकिन जहाँ पर भिन्नताएँ होती हैं, विचारों में भिन्नता आती है, वहाँ पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। और ऐसी स्थिति में जब अलग अलग सोच, अलग अलग मानसिक स्थिति के लोग जब आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं तो वहीं पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। और इसी संघर्ष से संबंधित जो दृष्टिकोण समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में विकसित हुआ है उसे हम संघर्षवादी दृष्टिकोण कहते हैं। संघर्ष मूल रूप से तब होता है जब एक व्यक्ति अपने प्रयासों से अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता, तब वह हिंसा या हिंसा की धमकी से पूर्ण करना चाहता है। यही हिंसा या हिंसा की धमकी संघर्ष कहलाती है। गिलिन कहते हैं कि विभिन्न व्यक्ति अथवा समूह अपने विरोधियों को हिंसा द्वारा या हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, संघर्ष कहलाता है। एक उदाहरण से हम संघर्ष को समझ सकते हैं कि दो फुटबॉल की टीम मैदान में आमने सामने मैच खेल रही है, उसमें एक टीम के सदस्यों को ये लगता है कि हम मैच जीत नहीं पाएंगे, तो उनके मन में ये सोच आता है कि सामने वाले को भी नहीं जीतने दें। ऐसी स्थिति में जब सामने वाली टीम का कोई सदस्य बॉल को लेकर आगे बढ़े तो या तो उसको चलते चलते हिंसा यानी पैर में पैर अड़ाकर उसको गिरा देना, या धमकी देना कि बार देख लूँगा अगर तुमने गोल किया। तो चाहे वो हिंसा हो या हिंसा की धमकी, वो अपने लक्ष्य को पूर्ण करना चाहे तो वहीं पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। संघर्षवादी सिद्धांत। समाज में संघर्ष से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रचलित है। इन सिद्धांतों में ये बताया कि संघर्ष एक शाश्वत सत्य है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अब तक का मानव इतिहास में कोई जाति कोई काल ऐसा नहीं पाया जिसमें संघर्ष न पाया गया हो। मार्क्स ने संघर्ष के संदर्भ में कहा कि मानव जाति का इतिहास ही वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी जब हम संघर्ष की बात करते हैं हम कहते हैं कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ संघर्ष नहीं हो। ये हो सकता है कि कुछ समाजों में संघर्ष की स्थिति बहुत कम हो तो कुछ समाजों में बहुत अधिक हो, लेकिन संघर्ष विहीन समाज की कल्पना कोरी कल्पना है, हकीकत से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने भी कहा है द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। मानव जाति का इतिहास ही वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी प्रारंभ से लेकर आज तक के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमको लगता है कि हर समाज में हर युग में हर काल में संघर्ष रहा है, और इसी की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपने विचार के अंतर्गत की है। संघर्ष के सिद्धांत में जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं उनमें सबसे पहला विचार कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स जो कि श्रमिकों के मसीहा कहलाते हैं, समाजवाद के प्रणेता कहलाते हैं, और वो अपने आप में एक संस्था थे। यानी हम किसी भी विषय से उसको बांध नहीं सकते। ऐसे विचारक, ऐसे दार्शनिक, ऐसे समाजशास्त्री, ऐसे इतिहासकार जिन्होंने संघर्ष को लेकर अपना विचार दिया, वो कहते हैं कि संघर्ष सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में मार्क्स का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। 19वीं शताब्दी में मार्क्स का यह सिद्धांत समाज की संरचना के कई पक्षों से संबंधित था। हीगल ने मार्क्स के पहले द्वंद्वात्मकता के आधार पर संघर्ष की व्याख्या की। हीगल के अनुसार मस्तिष्क यथार्थता पर जाता है तो वह चिंतन प्रक्रिया में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। यानी मार्क्स पर जो प्रभाव पड़ा वो हीगल का पड़ा। हीगल की जो सोच है वो यह है कि मानव मस्तिष्क में जो चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसी से भौतिक जगत का विकास होता है। ये हीगल के अपने दृष्टिकोण, और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहते हैं कि हीगल के विचारों को ग्रहण तो किया लेकिन एक स्थान पर कहा कि वो सर के बल खड़ा था उसका विचार, मैंने उसको पैरों के बल खड़ा किया। वो कहते हैं मार्क्स कि भौतिक जगत है तो मानव मस्तिष्क में चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मानव मस्तिष्क के कारण भौतिक जगत नहीं है, भौतिक जगत है तो मानव मस्तिष्क में विचार आते हैं,
भावनाएं उत्पन्न होती हैं और अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं, उसका मूल कारण भौतिक जगत है। इसलिए उन्होंने कहा कि हीगल के विचार को जो पैरों के बल, सर के बल खड़ा था, मैंने पैरों के बल खड़ा किया है, इन्हें उलट कर रख दिया है। इस चिंतन प्रक्रिया में उत्पन्न कोई विचार वाद कहलाता है, इस वाद के विपरीत विचार प्रतिवाद कहलाता है या उसको जन्म देता है। वाद व प्रतिवाद विचारों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है, अतः दोनों विचार के समझौतावादी दृष्टिकोण में संवाद की स्थिति उभरती है। मार्क्स ने बहुत सुंदर ढंग से वाद और प्रतिवाद की बात कही कि वाद एक विचार है और जब समाज में कोई एक विचार उत्पन्न होता है तो उसके विपरीत विचार भी आता है जिसको वो प्रतिवाद कहते हैं। तो एक प्रकार के विचार को जो एक व्यक्ति के मस्तिष्क में उत्पन्न होता है उसे वाद या थीसिस कहते हैं, और जब उसके विपरीत कोई विचार आता है तो उसे एंटीथीसिस या प्रतिवाद कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं क्योंकि दोनों में भिन्नता है, और जहाँ भिन्नता होगी वहाँ द्वंद्व होगा। तो वाद प्रतिवाद से टकराता है और उस टकराव के कारण द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है, और द्वंद्व को कार्ल मार्क्स डायलेक्टिक, डायलॉग से संबंधित यानी विचारों का मतभेद होना, और उन दोनों में द्वंद्व की स्थिति से संघर्ष का जन्म होता है, और वह संघर्ष लंबे समय तक नहीं चल सकता क्योंकि हमेशा हम जानते हैं संघर्ष में शक्ति खर्च होती है, इसलिए शक्ति को पुनः इकट्ठा करने के लिए हम संघर्ष को रोकते हैं। और जब दोनों वाद और प्रतिवाद टकराते हैं तो संघर्ष की स्थिति से कुछ समय पश्चात एक वर्गविहीन स्थिति उत्पन्न होती है जिसको संवाद या सिंथेसिस कहते हैं। तो वाद और प्रतिवाद टकराते हैं तो सिंथेसिस का जन्म होता है, सिंथेसिस कुछ समय तक सिंथेसिस रहता है, फिर वो दो प्रकार के वाद और प्रतिवाद में परिवर्तित हो जाता है, और यह द्वंद्व की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अतः दोनों विचार के समझौतावादी दृष्टिकोण में संवाद की स्थिति उभरती है। हीगल ये मानते थे कि विचारों के यही संघर्ष समाज में इतिहास के नए परिवर्तनीय स्वरूपों को स्थापित करते हैं। मार्क्स ने अपने विचार के विश्लेषण के लिए हीगल द्वारा प्रस्तुत इन आधारों को स्वीकार किया, परंतु कतिपय अंतरों के आधार पर यानी उल्टा कर दिया। मार्क्स ने स्वयं अपने प्रमुख ग्रंथ दास कैपिटल में लिखा है कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर्फ मस्तिष्क और आत्मा के बल पर खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के बल यानी पृथ्वी पर भौतिकता के आधार पर खड़ा कर दिया। यदि आप रहस्यमय खोज में से तार्किक सार तत्व को ढूंढ निकालना चाहते हैं तो आपको हीगल के द्वंद्ववाद का बिल्कुल ही उलट कर समझना होगा, और वही बात कार्ल मार्क्स ने की। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के लिए सामाजिक संघर्ष के विश्लेषण का सिद्धांत था, इसी सिद्धांत की ऐतिहासिक व्याख्या की तथा उसे ऐतिहासिक भौतिकवाद का यानी इतिहास के घटनाक्रम के आधार पर कार्ल मार्क्स ने इस द्वंद्व को समझाया। और अगर मैं यह कहूँ कि मार्क्स का जो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद था उसमें कहा कि जब मानव समाज विकसित हुआ उस समय किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं था, उसे कार्ल मार्क्स ने आदिम साम्यवाद प्रिमिटिव कम्युनिज्म नाम दिया, लेकिन धीरे धीरे उसी समाज में दो वर्ग बन गए और वाद और प्रतिवाद के रूप में एक निरंतर संघर्ष की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और मार्क्स ये कहते हैं कि ये तब तक चलेगा जब तक समाजवाद की स्थापना नहीं होगी। तो जब पूंजीवाद में पूंजीपति और श्रमिक एक दूसरे से द्वंद्व करेंगे और उस द्वंद्व के परिणाम स्वरूप जो संवाद की स्थिति उत्पन्न होगी वह समाजवाद की स्थापना होगी जिसमें सब बराबर होंगे, कोई उच्च नहीं होगा, कोई निम्न नहीं होगा, कोई शोषण करने वाला नहीं होगा, कोई शोषित नहीं होगा। यह कार्ल मार्क्स की सोच थी, इसलिए हम उसे समाजवाद के प्रणेता भी कहते हैं। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना है कि मनुष्य की प्राथमिक परिस्थितियाँ उसके अपने मस्तिष्क के लिए भौतिक परिस्थितियाँ हैं, प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यावहारिक संबंध आर्थिक संबंध है, आर्थिक संरचना मनुष्य की भौतिकवादी आधार का मूल है, इस आर्थिक संरचना में उत्पादन की शक्तियां वर्ग बनाती हैं जो समाज को दो परस्पर विरोधी शक्तियां वाद व प्रतिवाद का प्रतिनिधित्व करती हैं, यही संरचना विरोधाभास तथा शोषण की अवस्थाएँ उत्पन्न करती हैं जो वर्ग संघर्ष उत्पन्न करती है। यानी मूल संघर्ष का कारण क्या है, आर्थिकी इकोनॉमी। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर सबको बराबर अपने हितों की पूर्ति करने का अवसर मिल जाए तो किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा, लेकिन समाज में आर्थिक असमानता, एक के पास इतना है कि वह
गोदाम में पड़ा पड़ा सड़ रहा है और दूसरे के पास इतना कम है कि वो खाने के लिए हमेशा चिंतित हैं। ऐसी स्थिति में दो परस्पर जो विरोधी विचारधाराएं हैं उसी का परिणाम है संघर्ष। अगर सबको बराबर अवसर मिल जाता तो संघर्ष नहीं होता, लेकिन एक के पास अधिक है इसलिए उसकी स्थिति उच्च है और वो अपने आप को शक्ति संपन्न मान रहा है और उसका परम उद्देश्य ये होता है कि वो अपने से निम्न व्यक्ति का शोषण करे। तो शोषण की अपनी एक सीमा बर्दाश्त करने की प्रत्येक व्यक्ति में होती है और जब तक वो उसको बर्दाश्त करता है वो किसी प्रकार के संघर्ष को उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन जब यह शोषण की मात्रा प्रतिदिन बढ़ती जाती है और व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता है, वो अकेला तो कुछ नहीं करता लेकिन अपने जैसे विचार के लोगों को एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है और एक बड़ी ताकत बनता है और उस बड़ी ताकत के कारण शोषणकर्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाता है, तो वाद और प्रतिवाद टकराते हैं और द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है और कालांतर में यह संवाद को जन्म देता है। मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत बिल्कुल सरल व स्पष्ट है। वर्ग संघर्ष मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत का मूल केंद्रीय बिंदु है। मार्क्स के विचार निम्न बिंदुओं से स्पष्ट हो सकते हैं। अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इतिहास में आदिम साम्यवाद, दासत्व युग, सामंतवाद, पूंजीवादी युग इन्हीं वर्ग संघर्षों की यथार्थता से उभरे हैं। इन्हीं वर्गों के द्वंद्वों में नई राजनीतिक सत्ताएं स्थापित होंगी। यानी कार्ल मार्क्स के जो विचार है उसमें मूल भावना आदिम साम्यवाद, जिसमें कोई वर्ग नहीं था पर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी और उससे दो वर्ग का निर्माण हुआ और वो निर्माण था शक्ति के आधार पर, शारीरिक शक्ति। जिसके पास ताकत थी, जो फिजिकली स्ट्रांग थे, वो अपने को मालिक बना बैठे और जो शरीर से कमज़ोर थे उनको गुलाम बना दिया। तो मालिक और गुलाम दो वर्ग बन गए। एक वाद दूसरा प्रतिवाद, दोनों में टकराव हुआ। मालिकों ने शोषण प्रारंभ किया गुलामों का, गुलाम उसको बर्दाश्त करते रहे लेकिन धीरे धीरे बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई तो उनके बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। दोनों वर्ग समाप्त हो गए, समाज की स्थिति उत्पन्न हुई और फिर दो नए वर्ग बन गए जिसको सामंती युग कहा। एक सामंत यानी जमींदार और दूसरा किसान। जमीन का मालिक जमींदार, जो अपनी ज़मीन पर किसानों से खेती करवाए बदले में उसको कम देना, उसका शोषण प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे उस शोषण को बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हुई, कृषक इकट्ठे हुए और जमींदारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। दोनों वर्ग समाप्त हुए, फिर एक नया संवाद उत्पन्न हुआ। उस संवाद से फिर दो नए वर्ग बने, एक पूंजीपति और दूसरा श्रमिक। पूंजीपति वे जो उत्पादन के साधनों के स्वामी हैं और दूसरे वे श्रमिक जो अपने श्रम को बेचते हैं उत्पादन की शक्तियों के साथ जोड़कर। तो दोनों के बीच परस्पर सहमति हुई लेकिन धीरे धीरे पूंजीपतियों के मन में आया कि छोटा पूंजीपति बड़ा बन जाऊं और बड़ा और बना बड़ा बन जाऊं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीपति एक ऐसा जोंक है जो श्रमिकों का खून चूस रही है और जितना वो खून चूसती है उतनी खून चूसने की लालसा प्रबल हो रही है। परिणाम स्वरूप ये होगा कि दोनों के बीच द्वंद्व होगा और द्वंद से एक नया समाज उत्पन्न होगा जिसको कार्ल मार्क्स समाजवाद कहते हैं, जिसमें मालिक भी वही होगा और श्रमिक भी वही होगा, न कोई शोषणकर्ता होगा न कोई शोषित वर्ग होगा। यानी ऐसे समाज की जो कल्पना है वो कार्ल मार्क्स कहते हैं वर्ग के द्वारा ही संभव होगी। व्यक्ति की सोच में समाज में वर्गों का विकास हुआ है और यही वर्ग वर्ग संघर्ष का आधार है। मार्क्स कहते हैं कि अगर वर्ग नहीं होता तो वर्ग संघर्ष भी नहीं होता, लेकिन गुलाम और मालिक, जमींदार और किसान, पूंजीपति और श्रमिक हमेशा से ये दो वर्ग बने हैं और इसके कारण ही वर्ग संघर्ष का जन्म हुआ है। जो वर्ग शासन में है या जिनके पास आर्थिक राजनीतिक सत्ता है उनके विचार ही समाज में प्रभुत्वशाली विचार होते हैं, यही बौद्धिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे विरोधी विचार ही संघर्ष की प्रक्रिया को जन्म देता है। यानी जिसके पास राजनीतिक शक्ति होती है वो अपने आप को उच्च मानता है। मार्क्स ने इसी द्वंद्ववाद के आधार पर पूंजीवादी समाज के नष्ट होने तथा समाजवादी समाज की स्थापना की कल्पना की थी। पूंजीवादी युग में दो वर्ग बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप वर्गविहीन समाज का रूप उभरेगा। कार्ल मार्क्स कहते हैं जिसके पास आर्थिक और राजनीतिक शक्ति होती है वो प्रभुत्वशाली होते हैं, समाज में उनका उच्च स्थान होता है, उनके पास जो ताकत है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने से निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करके करते हैं, क्योंकि अपने हितों की पूर्ति उनके द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं। और जब तक वो शोषण करेंगे जब तक कि श्रमिकों में वो सहन करने की क्षमता है, लेकिन जब वो सहन नहीं कर पाएंगे तो दोनों के बीच द्वंद्व होगा। एक वर्ग को जो पूंजीपति है कार्ल मार्क्स ने उसको बुर्जुआ कहा है,
और जो श्रमिक है उसको कार्ल मार्क्स ने प्रोलिटेरियट या सर्वहारा वर्ग कहा है। इन दोनों के बीच द्वंद्व होगा तो एक नए समाज की स्थापना होगी जिसे समाजवाद कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं वो कई विचारकों को प्रभावित किए और उसी के परिणाम स्वरूप सी राइट मील्स और डेरेंडॉर्फ ने भी अपने विचार दिए, लेकिन जो मूल केंद्र बिंदु है वो कार्ल मार्क्स का ही विचार है। तो सी राइट मील्स क्या कहते हैं? मील्स ने यह सिद्धांत अपनी पुस्तक द पावर एलीट में अमेरिका में शक्तिशाली अभिजात वर्ग रचना के आधार पर सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मिल्स की केंद्रीय धारणा यह है कि अमेरिकी समाज में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक शक्ति तीन अंतर संबंधित संस्करणों में, जिसमें एक सेना, दूसरा उद्योगपति तथा तीसरा राजनीतिज्ञ द्वारा संचालित होती है। ये तीनों मिलकर एक सामूहिक शक्ति बना लेते हैं जिसे एक स्तंभीय शक्ति संरचना कहते हैं। जब शक्ति संपन्न लोगों द्वारा श्वेतपोष लोगों के हितों को नज़रअंदाज किया जाता है तभी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है द पावर एलीट यानी अभिजात वर्ग, और अभिजात वर्ग में उसने अमेरिका में तीन कैटेगरी के लोगों को, तीन वर्ग के लोगों को अभिजात माना है। एक वे जो राजनीतिज्ञ हैं जिनके पास राजनीतिक ताकत है, दूसरे वे हैं जो उद्योगपति हैं जिनके पास पूंजी है जिन्हें पूंजीपति कहते हैं, और तीसरे वे हैं जो सेना देश की सुरक्षा करते हैं। मिल्स कहते हैं कि तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और तीनों एक दूसरे के हितों की ही पूर्ति में लगे हुए हैं, और वे समाज के जो श्वेतपोष लोग हैं जिनको वाइट कॉलर पीपल कहते हैं उनके हितों को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि ये तीनों अपने अपने हितों को पूर्ण करने के एक दूसरे को मदद करेंगे। जैसे उद्योगपति हैं, उनको उद्योग में अधिक से अधिक उत्पादन करना है तो लाइसेंस किससे मिलेगा? राजनीतिज्ञों से मिलेगा, इसलिए वो राजनीतिज्ञों की हितों की पूर्ति करेंगे। तो सेना के जो पर्सनल्स हैं, व्यक्ति हैं, उनको सीमा की सुरक्षा करनी है, उनके लिए जो हथियार है वो बनाएगा कौन? उद्योगपति बनाएंगे, और उद्योगपति जो है राजनीतिज्ञों से जुड़े हुए हैं। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए वो अपने अपने हितों की पूर्ति करते हुए समाज के अन्य वर्गों के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता और उनका शोषण अधिक से अधिक वो करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में श्वेतपोष लोग जो हैं वो द्वंद्व करने की स्थिति उत्पन्न करते हैं और वो इन तीन लोगों को जो एक स्तंभीय प्रणाली है उसके साथ द्वंद्व होता है। मील का यही मूल विचार है कि जिनके पास पावर है वे पावर एलीट हैं और वे अपने से नीचे के जो श्वेतपोष लोग हैं उनके हितों को नज़रअंदाज करते हैं और उसी से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। मार्क्स के ही विचारों से ही प्रभावित होकर जर्मन के एक और प्रमुख समाजशास्त्री रॉल्फ डेरेंडॉर्फ ने मार्क्स के विचारों को और आगे बढ़ाया। उसी की चर्चा अगर हम करें तो वो भी संघर्षवादी दृष्टिकोण के एक प्रमुख विचारक रहे हैं। जर्मन समाजशास्त्री रॉल्फ डेरेंडॉर्फ ने सामाजिक संघर्ष के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित किया। इन्होंने अपनी पुस्तक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में स्पष्ट किया है। इस सिद्धांत का संबंध शक्ति संबंधों से है। सत्ता संरचना सारे सामाजिक संगठनों का एक हिस्सा है, यही विभिन्न प्रकार के हित समूहों को पैदा करती है और इन्हीं से संघर्ष की संभावनाओं को भी। यानी संघर्ष का मूल कारण क्या है? समाज में विरोधी विचारधारा। तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का टाइटल ही अपने आप में स्वस्पष्ट है, सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। वर्ग जहाँ होगा वहाँ वर्ग संघर्ष होगा, और ये वर्ग कहाँ पर है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, औद्योगिक समाज में, जहाँ वर्ग विकसित हुए हैं, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग, एक शोषण करने वाला दूसरा शोषित वर्ग। तो जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति होगी वहाँ पर संघर्ष का होना स्वाभाविक है। सामाजिक संरचना के सारे परिवर्तन विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संघर्षों के कारण ही आते हैं। ये सारे परिवर्तन वर्ग संघर्षों की प्रकृति तथा उसकी तीव्रता पर केंद्रित है। संघर्ष व हिंसा जितनी तीव्र होगी परिवर्तन उतना ही तीव्र होगा। डेरेंडॉर्फ के सिद्धांत को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। यानी जब डेरेंडॉर्फ बात करते हैं तो कहते हैं हिंसा जितनी तीव्र होगी उसका परिणाम उतना ही जल्दी आएगा। अगर हिंसा में बहुत ज़्यादा तीव्रता नहीं है तो उसके परिणाम बहुत धीमी गति से आएंगे। इसलिए डेरेंडॉर्फ कहते हैं कि अगर हम परिवर्तन चाहते हैं
तो तीव्रता लानी होगी, किसमें, हिंसा में। जितनी हिंसा में तीव्रता होगी, जितने अधिक शक्ति लगेगी, उतना ही परिणाम आएगा। इस सारी बातों को हम कुछ बिंदुओं में समाहित कर सकते हैं। उसमें पहला बिंदु है, प्रत्येक समाज में सकारात्मक व नकारात्मक भूमिकाओं के कारण दो परस्पर विरोधी समूहों का निर्माण होता है, जिनके छिपे हुए हित अलग अलग होते हैं। यानी एक पॉजिटिव ग्रुप होता है, दूसरा नेगेटिव है। दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और उन इंटरेस्ट के कारण ही दोनों के बीच संघर्ष होता है। ये सकारात्मक व नकारात्मक हित समूह अपने आप को प्रत्यक्ष हित समूहों के रूप में संगठित करते हैं। एक पॉजिटिव ग्रुप है, दूसरा नेगेटिव है। दोनों सोचते हैं कि हम अपने अपने हितों की पूर्ति करें और उसी के परिणाम स्वरूप द्वंद्व होता है। ये हित समूह यथास्थिति को बदलने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। हमेशा ये सोचते हैं कि हम ऊपर आ जाएं, वो दूसरा सोचता हम ऊपर रहें, और दोनों अपनी अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए द्वंद्व करते हैं। प्रभुत्वशाली परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ ही सामाजिक संबंधों की व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। बहुत सुंदर उदाहरण हम कह सकते हैं, जो ऊपर है वो नीचे के लोगों से संघर्ष करेंगे, और जब मौका मिलेगा तो नीचे के लोग ऊपर आ जाएंगे और ऊपर के लोग नीचे आ जाएंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ऊपर है प्रभुत्वशाली लोग, वे नीचे आ जाएंगे, और जो नीचे कम प्रभुत्वशाली हैं वो प्रभुत्वशाली बन जाएंगे। तो इसके लिए संघर्ष जरूरी है, अपनी स्थिति को बदलना है, और इसके लिए तीव्रता का होना जरूरी है ताकि उसका परिणाम जल्दी प्राप्त हो। इन सारी बातों को, चाहे वो कार्ल मार्क्स, चाहे वो डेरेंडॉर्फ और चाहे वो सी राइट मिल्स हों, वो क्या कहते हैं, उसको हम सारांश के रूप में कह सकते हैं कि समाज शास्त्रीय सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में संघर्ष का सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था तथा समाज के अंतर विरोध तथा सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संघर्ष को अनेक समाज शास्त्रियों ने अपने अध्ययन का विषय बनाया। एल्टन मेयो ने औद्योगिक समाज में चल रहे संघर्ष की, तथा वार्नर ने सामाजिक संघर्ष पर मानविकी दृष्टिकोण से विचार प्रस्तुत किया। जब हम बात करते हैं सारांश की, तो मोटे तौर पर ये विचार सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ही आया है, और उसमें मार्क्स का जो है वो सिद्धांत आर्थिक निर्णायकवाद। मार्क्स ने आर्थिक निर्णायकवाद के आधार पर वाद, प्रतिवाद तथा संवाद के द्वारा संघर्ष की व्याख्या प्रस्तुत की। संघर्ष की परंपरा अभी भी है। मार्क्स के पश्चात डेरेंडॉर्फ, सी राइट मिल्स, कोजर ने भी संघर्ष के सिद्धांत की अपनी तरह से व्याख्या की है। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचनाओं तथा सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए अन्य सैद्धांतिक विचारधाराएं विकसित हुई, परंतु संघर्ष सिद्धांत एक शक्तिशाली व्याख्या है। जब हम मार्क्स के विचारों की बात करते हैं तो मार्क्स पर एक आरोप भी लगाते हैं कि मार्क्स आर्थिक निर्णायकवादी थे, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। इसका मतलब उन्होंने आर्थिक आधार पर ही संघर्ष की बात की और कहा कि समाज में जो आर्थिक संरचना है वो उसका आधार है और उस पर पूरे समाज की संरचना टिकी हुई है। अगर आर्थिक ही बदल जाएगी, यानी इकोनॉमी बदल जाएगी, तो पूरा समाज बदल जाएगा। जैसे आज आर्थिक की पूंजीवादी है, तो हमारी सोच, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, ये सब पूंजीवादी व्यवस्था से प्रभावित है। और ये बदल जाएगी समाजवाद के रूप में, तो समाजवादी व्यवस्था आ जाएगी आर्थिक की, तो समाज का रूप दूसरा हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि आर्थिक कारण ही एकमात्र कारण है। अब वो कह रहे हैं एकमात्र कारण जिससे समाज में संघर्ष होता है। इसलिए कई बार इसका विरोध किया गया कि कार्ल मार्क्स ने जो एकमात्र कारण आर्थिकी को लेकर कहा है, इसलिए उनको आर्थिक निर्णायकवादी भी कहा है, कि संघर्ष का एक कारण नहीं हो सकता, अनेक कारण हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष को जन्म देते हैं। इसी तरह के विचार सी राइट मिल्स और डेरेंडॉर्फ ने भी अपनी अपनी तरह से, कि जहाँ भी दो वर्ग होंगे वहाँ वर्ग संघर्ष होगा, और इसी दृष्टिकोण को हम संघर्षवादी दृष्टिकोण कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, संघर्षवादी दृष्टिकोण या उपागम मानव शास्त्र और समाज शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण उपागम है, और जिस तरह के विचार मार्क्स, डेरेंडॉर्फ और सी राइट मिल्स ने दिए हैं, और जो मैंने आज आपको बताया, समझ में आया होगा कि संघर्ष क्यों होता है और संघर्ष का परिणाम क्या है।